हैशटैग बच्चन बांटेगी मौज के 1 मिलियन व्यूज की डिमांड पूरी। अक्षय कुमार ने गायब हुए मौज क्रिएटर्स को किया रिलीज। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है, मैं हूँ राधिका। कांग्रेस को राज्यों में मिल रही लगातार हार के बाद पार्टी में हलचल तेज हो गई है। एक बार फिर पार्टी के नाराज नेताओं का ग्रुप G23 एक्टिव हो चुका है। बुधवार को कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे G23 के नेताओं ने दिल्ली में पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद के आवास पर बैठक की। इस मीटिंग में कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, भूपेंद्र हुड्डा, अखिलेश प्रसाद सिंह, पृथ्वीराज चव्हाण, पीजे कुरियन और मणिशंकर अय्यर जैसे बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस के G23 नेताओं की बैठक में हुई चर्चा के दौरान सभी ने एक सुर में हर स्तर पर सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक फैसले लेने के मॉडल को अपनाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि सुधार की बात करते रहेंगे और पार्टी से निकाले जाने तक कांग्रेस छोड़ेंगे नहीं। बैठक के बाद सभी नेताओं ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कहा है कि हम सभी सदस्य हालिया विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन और नेताओं और कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने से काफी हतोत्साहित हैं। हम मानते हैं कि कांग्रेस को आगे लेकर जाने के लिए एक ऐसे मॉडल के साथ आगे बढ़ना होगा, जिसमें हर स्तर पर बेहतर नेतृत्व और फैसले लिए जा सके। भाजपा का विरोध करने के लिए कांग्रेस को मजबूत करना जरूरी है। हम मांग करते हैं कि कांग्रेस समान विचारधारा वाली सभी ताकतों के साथ संवाद की शुरुआत करे, ताकि 2024 के लिए विश्वसनीय विकल्प पेश करने के लिए एक मंच बन सके। कांग्रेस के भीतर बदलाव की मांग कर रहे इस समूह पर गांधी परिवार के नेताओं ने भी हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक पर बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद G23 समूह के नेता बार बार बैठकें करके पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी कांग्रेस में कोई भी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को कमजोर नहीं कर सकता और पार्टी के सभी लोग उनके साथ हैं। ये माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद G23 के सदस्यों के प्रस्ताव को पार्टी की हाईकमान के समक्ष रखेंगे। आज गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।